अंडर 16 में 4 ओवर में 6 विकेट लिए। आज सोचते हो कि लेग साइड में रन बनते हैं। मैं आपका प्रीनी 150 प्लस मैचेस खेल चुका हूँ। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं एक्सीलेंस एकेडमी, क्योंकि विंकी भैया का मुझ पे आया था फोन और उन्होंने ये कहा था कि आज है मैच डे। और अभी मेरे एक भैया भी है, हिमांशु भैया, वो भी खेलने गए हुए हैं। तो अभी वहाँ पे जाते हैं और पूरा कवर करते हैं गाइस, पूरा मैच कवर करते हैं और क्या सीन है मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो बने रहिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गाइस, ये रहे हमारे विंकी भैया। क्या चल रहा है, कौन सा ओवर चल रहा है अभी? तो फर्स्ट इनिंग का आई गेस 10वां या 12वां चल रहा है। अच्छा, फर्स्ट इनिंग्स का 10वां या 12वां। तो गाइस, अभी हम जाते हैं वहाँ पे थोड़ी सी देर में। और ये कौन सी एज के है भैया? ये सब जूनियर्स। सब जूनियर्स 8 से 12। और गाइस, ये है हमारे पुट्टी अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? बढ़िया। मैं मैच कवर कर लेता आराम से। तो गाइस, अभी चल रहा है मैच यहाँ पे और हिमांशु भैया जो है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, वो करा रहे हैं बॉलिंग और यहाँ पे चल रहा है मैच। हमारे अंपायर अंकल भी खड़े हुए हैं। ये रहे हिमांशु भैया जो कर रहे थे अभी बॉलिंग। हाय ब्रो। तो गाइस, ये मैच चल रहा है अंडर 14 और अबव 14, मिक्स मैच है थोड़ा सा और प्रैक्टिस मैच है मेरे हिसाब से। और ये है हमारे अंपायर अंकल। हेलो सर, क्या नाम है सर आपका? कैलाश गौड़। हाँ सर, सीनियर खिलाड़ी। अच्छा, कैलाश गौड़। कैलाश गौड़, ओके ओके। कोच ऑल्सो। तो ये हमारे इस अकेडमी के कोच भी है और अंपायर भी है, कैलाश गौड़ सर। और ये रहे बच्चे। क्या बात है छोटू, अभी इसने एक जन को बोल्ड किया है, बहुत ही प्यारा बच्चा है। कितने साल का है भाई तू? 10 ईयर्स का है और इसने अभी बोल्ड कर दिया। किसको किया था बोल्ड? पंकज। क्या बात है। भाई क्या बात है, उन्हें हैट्रिक। हैट्रिक हो गई। अच्छा अब ओके ओके, एक जने को और आउट कर दे ब्रो, फिर हैट्रिक हो जाएगी तेरी। ओ आउट, क्या बात है। तो गाइस, अभी इसने इस इनिंग का 3rd विकेट लिया है। तो छोटू क्या कहेगा तू, इतना कुछ कहना चाहेगा? इसमें कुछ बड़ी बात तो है नहीं, मैंने अंडर 16 में 4 ओवर में 6 विकेट लिए। क्या नाम क्या है तेरा? देवांजल। वाओ, गुड ब्रो। अब खेलेगा पंकज। तो गाइस, अभी खुद कोच विंकी भैया खेलेंगे। और उधर है हिमांशु भैया और यहाँ पर है विंकी भैया।
गजब, क्या बात है गाइस। अभी यहाँ पे चल रही है स्ट्रेटजी, तो अभी हम जानते हैं इनकी स्ट्रेटजी। ब्रो मुझे भी जगह मिल जाएगी क्या? तो आन दो ना यार। हाँ बोलो। इनको भाई टारगेट कम है, रन रोक के चलना, कोई एक्स्ट्रा नहीं देगा, ना वाइड ना नो बॉल, ठीक है? हर बॉल पे अटैक करना, थ्रो मारे तो बैकअप करना, फील्डिंग नहीं छूटनी चाहिए, फील्डिंग टाइट रखना बस, ग्राउंड फील्डिंग अच्छी हो गई जीत जाएंगे, ठीक है? बॉल टपके को ऑफ स्टंप से, ऑफ स्टंप सिर्फ ऑफ स्टंप के बाहर डालते रहना है, बॉल अपने को अपने आप विकेट देंगे, ठीक है? आ जाओ गो, सही है बॉलिंग के लिए, मेरे को भी ले लो यार। गो, तो अब ये लोग खेलेंगे ब्रो। हाँ तो ब्रो कितने स्कोर का टारगेट है? 97 का टारगेट है, पहले वाली टीम ने 96 रन बनाए। वाओ, तो तुम लोग में से सेंचुरी कौन मारने वाला है आज? तुम लोग अच्छा बॉलिंग टीम हो गया। हाँ कौन कौन विकेट लेने वाला है? सारे लोग विकेट लेने वाले, क्या बात है भाई। तो गाइस अभी दूसरी टीम करेगी बॉलिंग और एक टीम करेगी बैटिंग, जैसा कि क्रिकेट में होता ही है, आप लोग को तो मुझसे ज़्यादा ही पता होगा। और ये रहा ग्राउंड। अरे छोटू भाई विकेट तो सही कर दो, अपने आप हो जाएगा क्या? हो जाएगा यही से। तो गाइस इस बॉल से लोग करेंगे बॉलिंग, क्या बात है। तो ब्रो बैटिंग कर रहा है तू, चल बेस्ट ऑफ लक भाई। पूरा नाम क्या है ब्रो? आयुष भट्ट। गाइज अभी चल रहा है इन लोग का मैच, और मैच बहुत ही तगड़ा चल रहा है, बहुत ही शानदार चल रहा है, और बहुत ही अच्छी बैटिंग चल रही है, और बहुत उससे भी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग चल रही है। और हमारे जो कोच है वेंकटेश भैया वो कर रहे हैं बॉलिंग। तो गाइस एक बार फिर से स्ट्रेटजी बन रही है हमारी टीम की, तो अभी हम देखते हैं क्या स्ट्रेटजी है। लग रहा है कि हम मैच जीत सकते हैं,
चाहे कितना भी स्कोर हो, 20, 50, 60, 70 कितना भी हो, कम टोटल होता ना तो अपने अच्छे बॉलर होते हैं ना जो रेगुलेटर डाल रहे हैं उनको फिर डलवाओ, विकेट लेने जाओ। अगर हमने नई बॉल से शुरुआत में विकेट ले लिए ना तो आधा मैच हमारा हाथ है, और कैचेस नहीं छोड़ने, कम स्कोर वाले मैचेज में हमको कैचेज नहीं छोड़ने, फील्डिंग से रन रोकने, हम वहाँ से कैचेज छोड़ रहे हैं, वहाँ से चौके निकाल रहे हैं, तो ऐसे मैच नहीं बनेगा। ठीक है, एक अच्छा कैच, एक अच्छा रन आउट, आपको मैच में अंदर लगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बैटर में खड़ा नहीं, कुछ नहीं होगा, वो भी खड़े इधर उधर करता रहेगा, थोड़ी देर में आउट हो जाएगा। और जहाँ जा रहे हो अटैक करो, तेज थ्रो दो, ठीक है, पहले चौक पर रखना है ना, कोई सी 3, 2, 1 गोल किए। भाई अब हमारे खेल रहे हैं हिमांशु भैया, बैटिंग कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक ब्रो। तो गाइस अभी एक चल रहा था मैच इनका, और अभी हम पूछते कितने ओवर बचे ब्रो, कितने ओवर बचे? 11 ओवर बचे गाइस, और अभी वापस से अक्षत आया बैटिंग पे। रंजल ब्रो अच्छे से करना बैटिंग, बेस्ट ऑफ लक। ओ नेक्स्ट बैट्समैन, क्या नाम है भाई? बेस्ट ऑफ लक। तो गाइस अभी जो बैट्समैन है वो और जो बॉलर है वो ब्रदर वर्सेस ब्रदर है, क्योंकि दोनों भाई है, और देखते हैं दोनों भाइयों में से कौन सा वाला भाई जीतेगा। तो गाइस अभी सिर्फ 8 बॉल बची है, और देखते हैं कौन सी टीम जीतेगी। 7 बॉलों में 6 रन चाहिए, शाबाश लड़को, शाबाश।